रामनवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में होने वाला परंपरागत कन्या पूजन कार्यक्रम कोरोना वायरस को देखते हुए निरस्त कर दिया गया, जिसके संबंध में गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने बताया कि कोरोना वायरस के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, लेकिन मंदिर के द्वारा पूजन में उपयोग होने वाली सामग्री और दक्षिणा कन्याओं को उनके घर तक पहुँचाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा, रामनवमी है, गोरखनाथ मंदिर में परंपरा से बना हुआ था कुंवारी कन्या का भोजन, उन्हें वस्त्र दिया जाता था, दक्षिणा दिया जाता था, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। ये भीड़ को, क्योंकि महामारी देश विदेश में फैली हुई है, उसको मद्देनज़र रख करके व्यवस्था बनाई गई कि हमारा दक्षिणा है, भोजन का पैकेट है, वस्त्र है, सारा जो है उनके घर पर ही जा करके हम लोग बच्चों को कुंवारी कन्याओं को देंगे, ताकि एकत्र अगर एकत्र होगा उससे छुआछूत के माध्यम से बीमारी फैल सकती है। इस नाते इसको ध्यान में रखते हुए हम व्यवस्थाओं में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। सारी व्यवस्थाएँ वैसे ही की गई हैं, इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है।